नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज देश में राजनीति के दो हॉट पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये है कि दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप, डिप्टी सीएम को सीबीआई कार्यालय में तलब, और साथ में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का प्रदर्शन, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में जीवंतता के लिए 137 साल के इतिहास में छठवीं बार वोट पड़े कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। सीधा मुकाबला है मल्लिका अर्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में, लेकिन क्या ये जो मुकाबला होगा या 19 तारीख को जो रिजल्ट आएगा जिसमें ये माना जा रहा है कि खड़के ही अध्यक्ष होंगे, तो क्या वास्तव में कांग्रेस में ये नया लोकतंत्र आया है, और क्या ये लोकतंत्र रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगा, और क्या रिमोट कंट्रोल ही कांग्रेस को यथास्थिति में बनाए रखेगा। ये तमाम सवाल हैं, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने तीन मेहमानों को आमंत्रित किया है। हम आपको परिचय करा दें, हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी से धर्म प्रकाश गुप्त जी। गुप्त जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस से हैं दिनेश वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आम आदमी पार्टी से हैं मदन लाल भाटिया, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चर्चा सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनीष सिसोदिया से। मैं सीधे सीधे मदन लाल जी आपसे कह रहा हूं कि आप पर सीधा आरोप है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार का जश्न मनाया जा रहा है, दिल्ली में सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे बस का घोटाला हो, चाहे स्कूल का घोटाला हो, चाहे पानी का घोटाला हो, चाहे बिजली का घोटाला हो, आप जिस उद्देश्य से आए थे, और यही कारण है कि आपके इस आचरण पर अन्ना हजारे ने भी अपनी टिप्पणी की है, और वो अपने को बड़ा लज्जा महसूस करते हैं। क्या कहेंगे मदन लाल जी, आप तो मनीष सिसोदिया को सीबीआई कार्यालय में पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है। वर्मा जी, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खात्मे, सुशासन के लिए, जनता के प्रति जवाबदेही के लिए एक ही मात्र पार्टी है जो जानी जा रही है वर्तमान समय में। अभी भी इन्होंने सत्येंद्र जैन को 4 महीने से जेल में रखा हुआ है। पिछले 10 अक्टूबर को दिल्ली की हाई कोर्ट ने ईडी को फटकारते हुए और इनकम टैक्स को फटकारते हुए उनके ऊपर जितने भी केस थे उनसे उनको बाइज्जत बरी किया है, बाइज्जत बरी किया है, और कहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस इन पर, जमीन की खरीद के घोटाले के केस इन पर 2012 से लेकर 16 तक के बीच में जो दायर किए गए थे सारे केस खारिज करते हुए इन्होंने दिल्ली के 40 विधायकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समय समय पर आरोप लगाए हैं। वो 40 के 40 विधायक, चाहे वो पंजाब में उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया हो, चाहे दिल्ली में मुकदमा लिखाया गया हो, चाहे हरियाणा में मुकदमा लिखाया गया हो, सारे मुकदमों से वो बाइज्जत बरी हुए हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर छापा पड़ा, बैंक लॉकर पर छापा पड़ा, ईडी ने 4 बार पूछताछ घर में की, वो बार बार कहते रहे कि मेरे यहाँ कुछ नहीं मिला, और सीबीआई के अफसरों ने वहां जाकर माफी मांगी, ईडी के अफसरों ने कहा सर आपके यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। अब इनको कोई बहाना नहीं मिल रहा दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल को बदनाम करने के लिए, इनको कोई बहाना नहीं मिल रहा दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं को सुसज्जित करने के लिए, इनको कोई बहाना नहीं मिल रहा महिलाओं को फ्री में बस सेवा देने के लिए। ये पूरे देश में इनकी 20-22 जगह सरकारें हैं, कहीं एक जगह किसी एक वृद्ध महिला को ही फ्री ले जाएं, हम तो पूरी महिलाओं को छूट दे रहे हैं भाई साहब। हमने तो जो जो चीजें लागू की हैं
उसके बाद इन्होंने मुफ्त की रेवड़ी सुनी है। देश का प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहता है मुफ्त की रेवड़ी, उसका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मुफ्त की रेवड़ी क्या है और जनता को सुविधा क्या है, दोनों के बीच में बहुत फर्क है। अगर हम सामान्य आम जनमानस से जो टैक्स ले रहे हैं, गरीब व्यक्ति को, आम जनमानस को सुविधा, अगर स्वास्थ्य के संबंध में निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि इस समय अगर मान लीजिए हम ये बात आपकी मान लें कि कर रहे हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, चलो, तो काहे के लिए फिर आपके जो है नेता को जो है दुरुपयोग और शासन और सत्ता का अधिकारों का दुरुपयोग है और कुछ नहीं है। वर्मा जी क्यों कर रही दुरुपयोग भाई, दहशत में है, दहशत में है भारतीय जनता पार्टी। काहे की दहशत, क्यों? हमने पंजाब में इनको खदेड़ दिया, हम दिल्ली में इनको आने नहीं दे रहे हैं, वापस इनकी वापसी नहीं हो पा रही है। हम गुजरात में दस्तक दिए बहुत तेजी से, हिमाचल में दस्तक दिए बहुत तेजी से। हो गया बात। और अन्ना हजारे की बात को मैं कह दूं, वो एक सम्मानित व्यक्ति है, उन पर टिप्पणी करना मेरे स्तर के लोगों की बात नहीं है। लेकिन अगर वो मनीष सिसोदिया के मामले में, सत्येंद्र जैन के मामले में और अरविंद केजरीवाल की सरकार के बारे में करते हैं, तो उनको खुले दिमाग से भारतीय जनता पार्टी नीत सरकारों के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर भी करनी चाहिए, अपने पद का, अपनी गरिमा का, अपने आंदोलनों का सम्मान कराते हुए। धन प्रकाश जी, आज ही जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने तलब किया तो उसके बाद एक अरविंद केजरीवाल का बयान आया, वो कहते हैं कि गुजरात में जिस दिन तक वोटिंग होगी उस दिन तक सीबीआई जो है मनीष सिसोदिया को जेल में रखेगी, नंबर एक। और हमारा जो गुजरात का चुनाव प्रचार है वो बंद नहीं होने वाला है, आप गिरफ्तारी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। क्यों आखिर, क्या ये बतकंडा अपनाया जाएगा, ऐसा आरोप जो है आम आदमी पार्टी लगा रही है? अभी तक मनीष सिसोदिया गिरफ्तार तो हुए नहीं है, ठीक, एप्रिहेंशन में हम कुछ भी कह सकते हैं कि ये कर देगी सरकार, ये कर देगी। तो भाई अगर किसी की नाक कटी हो और दूसरे साबुत नाक वाले देख के कहे हाय राम इसकी कितनी बड़ी बड़ी नाक, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। मनीष सिसोदिया से अगर सीबीआई पूछताछ कर रही है, वो जवाब दे रहे हैं, इतना बड़ा जुलूस लेकर के उसमें झंडा लहराते हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए जाने का मुझे तो कोई औचित्य समझ में नहीं आता। क्योंकि चीजें हो रही, आप अपनी बात कहेंगे, सरकार अपनी बात कहेगी, सीबीआई अपनी बात कहेगी, इनकम टैक्स अपनी बात कहेगी, आप कहते हो कुछ नहीं निकला, वो कहते हैं मेरे पास पर्याप्त सबूत है, आने दीजिए सामने, इसके लिए इतना परेशान हम काहे हैं? नहीं, एक जनमानस में ये तो भावना है ही है कि आपने उनके यहाँ 14 बार छापे डाले, उनके घर में डाले, लाकर में डाला, उनके गांव में डाले, पूछताछ की, लेकिन मिला एक शदाम नहीं। ये तो एक जनमानस में तो ये बात खड़ी हो ही रही है, नहीं मिला तो प्रकाश जी, देखिए तो फिर अगर सीबीआई उसके बाद करें तो उसके पास कुछ ना कुछ तथ्य होंगे जी। अगर कोई उसके पास दम नहीं है तो पूछताछ क्यों करेगी? और फिर दूसरी बात, ये बड़ा खुला खेल है कि आपको पर्याप्त समय दिया जा रहा है, आज से पर्याप्त पूछताछ की जा रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, जो सीबीआई है वो अपना काम कर रही है। और ये हमेशा होता आया कि अगर कहीं शक की गुंजाइश होती है, मैं नहीं जानता, कुछ लोग, अभी मैंने एक वीडियो, सही है गलत है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन वो स्कूलों के टाइल उखाड़ उखाड़ दिखा रहा है, ये टाइल उखड़ गए। एक दिन ब्लैक एंड व्हाइट एक कार्यक्रम आता, उसमें बता रहे थे कि तमाम विद्यालयों, तमाम शिक्षकों की किसी की 6 महीने की फीस वो तनख्वाह नहीं दी गई है, किसी की 3 महीने की नहीं दी गई है, किसी की साल भर से आधी दी गई है। तो ये सब कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो पर्दे के पीछे है। इतनी शराब की दुकानें एकदम खुल जाना, पॉलिसी को बदल जाना, ये भी तो जनमानस देख रही है भाई। अगर आप जैसे का दस्तक दे रहे, अगर जनमानस ना देखती होती, जो एबीपी का सर्वे आया उसमें आपको 0 से 1 सीट का हिमाचल में कहा गया, जिसमें आप कह रहे हैं कि हम तो हिमाचल में सरकार बनाने जा रहे हैं, आपका दावा तो ये था, तो इस पे हम कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहते, पब्लिक को कहने दीजिए। लेकिन गुजरात में तो उनके जो है पहचान हो रही है आम आदमी। अभी वोटिंग कहां हुई? हाँ, अभी वोटिंग कहां हुई? नहीं, वोटिंग की पहचान मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए एक चर्चा, रमेश जी लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए जी, कोई भी पार्टी हो उसकी चर्चा होनी चाहिए, आप सार्थक बात रखिए, सामने आइए, क्योंकि सत्ता पे एकाधिकार भी सबसे खराब चीज है, जिसका खामियाजा भारत आज भुगत रहा है, तो ये तो होना चाहिए।
हम इसका स्वागत करते हैं कि आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मूल्यों पर करिए, बस मेरा इतना कहना है। चलिए दिनेश जी, कहा यह जा रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पीछे कर दिया है, और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, अरविंद केजरीवाल का, सबका उत्पीड़न शुरू हो गया है, क्योंकि अब बीजेपी को वहां लग रही है कि टक्कर कांग्रेस से नहीं है, टक्कर आम आदमी पार्टी से है। क्या कहेंगे आप? आदरणीय वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि गुजरात में अगर विपक्ष के रूप में कोई टक्कर दे सकती है तो कांग्रेस पार्टी, और पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि कांग्रेस ने ही टक्कर दी। अब कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी खुद प्रपोज करना चाहती आम आदमी पार्टी को, उनको उनके मंत्रियों को प्रताड़ित करके, उनके ऊपर जांच डलवा करके, ताकि वो कांग्रेस को रोकना चाहती है आम आदमी पार्टी को आगे करके, यानी कंधे पे आम आदमी पार्टी के बंदूक रख के कांग्रेस पे चलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से आप मान के चलिए, जिस प्रकार से कांग्रेस में वहाँ ग्रास रूट से जो कार्य हो रहा है, हम सबको मालूम है, हम लोगों के संज्ञान में है। निश्चित रूप से वोटिंग होने दीजिए, अब बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अब की सुपड़ा साफ होना है भारतीय जनता पार्टी का। ये तो आप लोग हर इलेक्शन में कह देते हैं और सुपड़ा अपना साफ करा चले आते हैं। ना, आप बात समझिए, गुजरात की स्थितियां इस वक्त अलग हैं। पिछले बार भी तो आपने बहुत कुछ कहा था, तो 92 सीटें उनको मिली, 77 आपको मिली। आज देखिए, 77 सीटें कांग्रेस थी मुख्य विपक्ष के रूप में, आज वो उनका कहना है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस अब की उनको हराने जा रही है। और रहा सवाल गुजरात का, गुजरात मॉडल पे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी केंद्र तक आए, सत्ता उन्होंने बनाई, और गुजरात से ही उनका पतन शुरू होगा अब की विधानसभा चुनाव के बाद में। ठीक बात है। दूसरी चीज ये भी जरा हमको मदनलाल बताइए कि इतने आरोप लग रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ है ही है। आखिर 144 करोड़ जो कहते वारे न्यारे कर दिए गए, माना कि किसी ने लिया, लेकिन देश के राजस्व का तो नुकसान हो ही है। तो ऐसी स्थिति में आप एक बार मान लें कि कोई वो नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन एक शब्द होता है वित्तीय अनियमितताएं, जिससे राजस्व को नुकसान होता है, तो वो तो हुआ ही है। और अगर वो है तो खुले आप स्वीकार कर लेना चाहिए कि ठीक भाई, हमसे गलती हो गई है, ये स्थिति है। वर्मा जी, अगर वित्तीय अनियमितता हुई है जी, तो सरकार को ही बताना होगा। तो सरकार ये कह रही है कि घोटाला हुआ, सुन लीजिए आप, दोनों चीज में बड़ा फर्क है। और सरकार जबरदस्ती इनको आरोपित बना रही है वित्तीय अनियमितता, खाली एक राज्य में नहीं, एक विभाग में नहीं, एक स्तर पर नहीं, हर स्तर पर गलतियां होती हैं। मुझे याद आता है कि नगर निगम में छोटा सा बजट होता है और 10,000 ऑडिट आपत्तियां होती हैं। इसका मतलब नगर निगम भंग नहीं हुई कभी। ऑडिट आपत्ति कहीं कॉमा फुल स्टॉप पर हो जाती है, कहीं जीरो और दशमलव लगाने पर हो जाती है, वो ऑडिट आपत्ति मानी जाती है, है ना। वित्तीय अनियमितता और घोटाला, वित्तीय अनियमितता घोटाला, इन्हीं आपत्तियों में तो मनमोहन सरकार जो है वो चली गई, उसमें लिख के आ गया 1,00,000 इतने घोटाला। साहब एक चीज बताइए, मैं बहुत खुली बात करता हूँ आपको। पीयूष गोयल जी कानपुर आए थे जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी उसको होस्ट कर रहे थे, उसको इन्होंने कहा था कि कोयले में 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जब मैंने पीयूष गोयल जी से पूछा कि अगर 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो पिछले 5 साल से श्री प्रकाश जायसवाल कोयला मंत्री कानपुर के थे, वो घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तो खड़े होकर उन्होंने डिनाई किया कि मैंने आज तक ये नहीं कहा कि 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला कोल इंडिया में हुआ है। तो आप क्या कहोगे, ये कहते कुछ है करते कुछ है, इनकी कथनी करने में बहुत असर है, फर्क है, और ये लोग हमेशा झूठ की बुनियाद पर ये बिल्डिंग खड़ी करते हैं। इन्होंने जितना भी अच्छा मॉडल दिखाया, सब कुछ हर जगह दिखाते हैं, ये गुजरात मॉडल अच्छा दिखाया और गुजरात में इनको जवाब मिलने जा रहा है। इन्होंने कानपुर को बहुत अच्छा मॉडल दिखाया, कानपुर स्मार्ट सिटी है, धर्म प्रकाश जी भैया हमारे बड़े बैठे हैं, अभी बता दें कानपुर में कौन सी जगह स्मार्ट हो गई, इनको बता दें। और इनके रहते हुए महापौर का पद समाप्त हुआ जा रहा है,
महापौर की हैसियत नहीं है स्मार्ट सिटी में एक रुपया खर्च करा ले, पार्षद की हैसियत नहीं है, विधायक की हैसियत नहीं है, सांसद की हैसियत नहीं है, किसी मंत्री की हैसियत नहीं है। कानपुर नगर निगम की स्मार्ट सिटी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी बन गई है जिसमें कमिश्नर सर्वे सर्वा है, जिसमें जिलाधिकारी सर्वे सर्वा है, नगर आयुक्त सर्वे सर्वा है। इन्होंने जनप्रतिनिधियों की शक्तियों को समाप्त किया है, जनता के प्रति जो जवाबदेही होनी चाहिए वो खत्म की है। ब्यूरोक्रेट के हाथ में प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को ही नहीं एक एक इलाके को देने जा रहे हैं, जो गंदी बात है, निंदनीय है। मदन जी, धर्मप्रकाश जी, एक चिंता की बात गुजरात में बीजेपी के लिए ये भी है कि वहाँ का जो आरएसएस कैडर है वो बहुत नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि नाना प्रकार के हथकंडे बीजेपी अपना रही है, लेकिन वो और उसका एक जीता जाता उदाहरण है कि अभी नागपुर में चुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस ने अच्छी खासी सफलता हासिल कर ली। तो कहा ये जा रहा है ये जो नाराजगी है आरएसएस की, बस उसके कारण ये जो आम आदमी बढ़ रही है पार्टी या कांग्रेस बढ़ रही है, ये एक समस्या बन गई है, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो जो आपकी ये परिकल्पना है वो भ्रामक है, मैं उसको कतई सिरे से इनकार करता हूँ। ठीक, नागपुर के भी आपने एक उदाहरण दिया तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जिस समय राम मंदिर का आंदोलन चरम पर था और उस समय तत्कालीन कांग्रेस के एमपी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था राम मंदिर के नाम पे, लेकिन वहां पर विरोधी कांग्रेस वाला जीत गया था, वहां पर भाजपा का कैंडिडेट एमपी हार गया था। तो इसको आप किस नजरिए से देखेंगे? अगर वो आरएसएस का विरोध है उसको आरएसएस विरोध से जोड़ सकते हैं क्या? तो आज नागपुर वाले को जोड़ रहे हैं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सारा कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। संघ केवल वैचारिक दिशा को प्रदान करता है, वो दैनंदिन के कार्यों में सरकार के हस्तक्षेप न करना चाहता है, न उसने कभी किया है, इसलिए इसको तो सिरे से आप हटा दें। नहीं, अब तो एक बात है भी आ रही है कि आरएसएस कह रही है कि अब इस तरीके से इनके चुनाव नाव के मामले में अब नहीं पड़ेंगे, ऐसा भी कुछ आ रहा है? चुनाव में कब पड़ती थी आरएसएस? आरएसएस ने आरएसएस के स्वयं सेवक सक्रिय भूमिका निभाते थे। देखिए आरएसएस का स्वयं सेवक तो आम आदमी है, आम तमाम लोग हैं। देखिए इनका काम तमाम भ्रम फैलाना, दहशत फैलाना। धर्मप्रकाश जी से बात हो गया, हम धर्मप्रकाश जी हम केवल वैचारिक दिशा देते हैं जी, कि आज हमने क्या कहा कि भाई हर मंदिर में, हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो। आज हम संयुक्त परिवार की वकालत कर रहे हैं, आज हम देश में एक साथ रहने की बात कर रहे हैं, रचनात्मक बात कर रहे हैं, हम एक दिशा निर्देश देते हैं, उसको जो भी फॉलो करे हमारा स्वयंसेवक उसको वोट देता है सीधे। चूंकि ज्यादातर चीजें कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बीजेपी और जनसंघ को छोड़ करके किसी दूसरे को वोट दे दिया हो, ऐसा भी कुछ जरा बता सकते भाई? ऐसा हमारी संज्ञान में कोई विशेष है नहीं। हाँ। क्योंकि एक बार ये जरूर कहा जा रहा था कि मोदी जी से विश्व हिंदू परिषद भी नाराज है। हाँ। संघ भी नाराज है, सब नाराज है, लेकिन फिर भी मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, भारी बहुमत से जीत गए। तो अब कल्पनाओं के बारे में जब वो खरी नहीं उतरती है तो उसके बारे में कोई टिप्पणी करके और जबरदस्ती कोई काल्पनिक बात बनावे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक बात है। तो एक वर्ड और बता दीजिए कि गुजरात में किससे सीधी टक्कर होने जा रही है बीजेपी की, आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से? ना आम आदमी से ना कांग्रेस से, किसी से होने जा रही है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ। भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, हम अपने कार्यों के आधार पर बनाने जा रहे हैं। ये ओपिनियन पोल के हिसाब से आप बता रहे हैं? भाई ओपिनियन, अब ओपिनियन पोल आप ही लोग करते हो, मीडिया करता है, हम लोग भी तो डिपेंड। भाई ओपिनियन पोल तो चाहे आप व्यक्तिगत करो, आप जब तक 10 लोगों से बात नहीं करोगे तो आप राय क्या बनाओगे? मन की सोची हुई बात तो सही नहीं हो सकती। तो भाई अभी तक जो सामने आया, रही बात, अच्छा ये बताइए, ये जो बार बार बात की जाती है आप ही से, दो क्वेश्चन और पूछने, बार बार में अरविंद केजरीवाल ये कह देते हैं कि गुजरात में हम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, गुजरात में हमारा मॉडल बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, इसके कारण जो है ये नाराज़गी हमारे प्रति दिखाई जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना? आप एक बात बताइए, कम्युनिस्ट एक शब्द यूज़ करते थे जी, मेरा हरावल दस्ता, कि हम सबको हरा देंगे। अगर ये नहीं कहेगा व्यक्ति तो लीड क्या करेगा? लीड क्या?
वो तो एक कल्पना, लोग तो उसको अपना बनाना ही पड़ा। कल मैं मोदी जी का एक वो आज की बात आता है, आज की बात उस नहीं, हाँ वही शायद इंटरव्यू जो आता है, तो उसमें मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा मैं कभी संतुष्ट नहीं होता, एक संतोष मिलता तो मैं दूसरा संतोष पाल लेता हूँ, क्योंकि उससे मुझे कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। एक बात और, अरविंद केजरीवाल ने कल एक बात और कही कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये खोखा पार्टी है, क्योंकि 40 विधायकों को तोड़ा गया, बल्कि उन्होंने तो ये सीधे सीधे आरोप लगाया कि एक एक विधायक को 20-20 करोड़ दिए गए, 800 करोड़ का गेम हुआ है, और इसी तरीके से दिल्ली के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन इनका जो लोटस था ऑपरेशन लोटस, वो ऑपरेशन कीचड़ हो गया। नहीं, उनके कहने से कहता एक आदमी को ला पाए माइक के सामने जो ये कहे मुझको ऑफर दिया गया था, ये कौन कहेगा? नहीं कहेगा, खत्म हो गई बात। आप कह रहे हो कि ऑफर दिया गया, लेकिन ऑफर किसको दिया गया ना उसका आप नाम बता रहे हो ना सामने ला रहे हो। हम भी कह सकते हैं भाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये था कि उसने बिठा लिया था उसको एग्जीक्यूटिव को अपने घर में कि जबरदस्ती दस्तखत करो, उठने नहीं देंगे, उसकी तो वीडियो तक आ गई थी। उनका एक विधायक वहां पर मिठाई वाले से रंगदारी वसूल करता था, उसका टेलीविजन में आया, तो ये चीजें तो होती रही हैं। तो आप जो जो सामने आएगा वही तो माना जाएगा भाई। आज हमारा ऑपरेशन लोटस है, आप नाम कुछ भी दे दीजिए, ऑपरेशन कीचड़ कह दीजिए, हम भी ऑपरेशन कीचड़ कह दे रहे हैं, लेकिन आप लाओ तो कि हमने कोई ऑपरेशन स्टार्ट किया था, हमने भाई लोगों को भविष्य दिखाई पड़ रहा। ठीक बात है, मगर ये इस तरीके के आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं, संजय सिंह लगाते हैं, मनीष सिसोदिया लगाते हैं, तो ये भी तो, और ठीक ठीक बात है जैसा कि धर्मकार जी, 40 विधायक एकदम श्रीमान जी है। एक चीज बताइए, हाँ, शिवसेना का टूटना, शिंदे जी का मुख्यमंत्री बनना, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी का पुनः मुख्यमंत्री बनना, कमलनाथ जी का हटना, गोवा में सरकार को बनाना, मणिपुर में सरकार को बनाना, ये कुछ आपको दिखाई देता है? अगर इतनी ही लोगों में आस्था थी तो जो जिनको ये तोड़ रहे हैं वो इनको वोट देते, हम नहीं मना करते, लोकतंत्र में जो जीतता है हम उसको स्वीकार करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, और जो हारता है उसको अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए, ये बिल्कुल लोकतंत्र की परंपरा है ये। और इनका काम, जो लोग चुनाव जीत कर आ जाए उनको खरीद लो, इनका और कांग्रेस का एक पैक्ट है, कांग्रेस को लोग जीत कर जाते हैं ये उनको खरीदते हैं, पार्टी में ले आते हैं। इन्होंने यही ऑपरेशन लोटस आम आदमी पार्टी के साथ भी चलाया, एक पार्षद नहीं खरीद पाए दिल्ली में, दिल्ली की जो नगर निगम है उसका चुनाव टाल दिया इन्होंने, उनको दिल्ली की 3 नगर निगम बनाने को किसने कहा था? इनकी स्वयं की परिकल्पना थी, और दिल्ली को धराशाही कर दिया, प्रदूषण में मार दिया दिल्ली को। उसके बाद फिर यही 5 साल बाद जब देखा पुनः केजरीवाल की सरकार बहुमत से आ सकती है स्थानीय निकाय में, इन्होंने वो चुनाव टाल दिया साल भर। इनका काम ही यही है, ये जहां जहां अपनी हार देखते हैं कोई ना कोई प्रपंच रचते हैं, कोई ना कोई आरोप लगाते हैं। हम ये फिर कह रहे हैं आपको, ये मनीष सिसोदिया को 1 बार नहीं 7 बार नहीं 10 बार नहीं 20 बार बुलाएं और ये गिरफ्तार करें, मनीष सिसोदिया बाइज्जत बरी होकर न्यायालय से आएंगे। एक लाइन और, ये सब आप लोग पहले कह रहे हैं कि जेल जाएंगे, गिरफ्तार होंगे, इसके उन्होंने कहीं ना कुछ मामला है नहीं, तो काहे के लिए आप लोग कह रहे हैं जेल जाएंगे गिरफ्तार? और ये मैं अगस्त से सुन रहा हूँ, अगस्त में श्रीमान जी मैं एक बात कहूंगा, हाँ, मुझे याद आता है शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया था, पूरा देश का मीडिया उस लड़के को ड्रग एडिक्ट बता रहा था, और माननीय न्यायालय ने उसको बाइज्जत बरी किया, कोई आरोप नहीं मिला, और नारकोटिक्स विभाग मुंबई को कड़े चेतावनी दी गई। क्या इनकी सरकार थी तब या अब है, क्या उस नारकोटिक्स विभाग के किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी? अगर सत्येंद्र जैन को अंदर किया गया, जिन इनकम टैक्स वालों ने इन पर रिपोर्ट लिखाई सन 12 से लेकर सन 16 तक सारे केस किए, क्या उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी उन अधिकारियों को अभी तो ईडी के चक उनको जमानत नहीं मिल रही ईडी से? ये आगे ना, तो भाई जमानत ईडी की पावर पर तो लोकसभा में चर्चा चल रही है, वो चर्चा चल रही है, लेकिन संविधान पीठ को मामला क्या हुआ? कोर्ट भी तो देखती है, कोर्ट भी तो कोई चीज देखती है, अपील ही नहीं है कोर्ट नहीं है। अब देखिए ईडी के खिलाफ अपील नहीं है सरकार, आजम खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि साहब इनको इसे 2 मिनट पे उन्होंने उसके खिलाफ ईडी नहीं थी, उसके खिलाफ 188 मुकदमे योगी सरकार ने कराए थे, सुनिए आप सरकार
वो मुकदमे फर्जी दायर कराया गया जो फर्जी साबित हो गए। आप लोग पहले से ही एक हवा बांधे हुए हैं, जेल जाएंगे जेल जाएंगे जेल जाएंगे, अब जाओ कोई रहा नहीं सर। एक एक एफआईआर नहीं है सत्येंद्र जैन के खिलाफ, उसी उसी पर तो कोर्ट ने फैसला दिया 10 अक्टूबर को, इसी 10 अक्टूबर को, 6 दिन पहले। अच्छा ये देश बात में ये बताइए कि अभी मदन लाल ने बात कही है, ये आपके विधायक बड़ी जल्दी जो है बिक जाते हैं, गोवा का उदाहरण ले लीजिए, कहीं का ले लीजिए, और सबसे ज़्यादा आप ही को संभाल के रखने पड़ते हैं। राजस्थान में जो कुछ चल रहा है किसी से छिपा नहीं है, तो ये क्या कारण आपके ही विधायक इतने, क्या उनमें कोई नैतिकता नहीं है? महात्मा गांधी ने तो कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस में वो होना चाहिए जिसमें शुचिता हो, सेवा हो, नैतिकता हो। लगता है गांधी जी ने जो कल्पना की थी उससे बिल्कुल विपरीत हो गई है और कांग्रेस, और यही कारण है कि कांग्रेस बिकाऊ हो गई है। देखिए जब देश में विचारधारा की राजनीति होती है और देश जब लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है तब ये सारी बातें आपकी लागू होती है, लेकिन जब देश में डिक्टेटरशिप और किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से जब देश का प्रधानमंत्री इस दिशा की ओर चलता है तब ऐसी घटनाएं होती हैं। देखिए क्या विधायकों के अपने परिवार नहीं है? क्या उन्हें नहीं डराया जाता है? क्या उन्हें प्रलोभन नहीं दिया जाता? तो डरता वही है जिसमें कोई कमी होती है। देखिए हर आदमी थोड़ी डरता है। डरने की कई चीजें होती हैं। हाँ। मैंने कह दिया वर्मा जी आपका बेटे को मैं किडनैप कर लूंगा। अच्छा अच्छा ये इस तरीके। देखिए राजनीति में सब संभव है और जब ऐसी विचारधारा की राजनीति हो जो आज देश में देखी जा रही है तो निश्चित रूप से ऐसी विचारधारा में माने आपके आपके माने मान लें कि आपके विधायक कमजोर हैं, डरपोक हैं, ना ना जो उनसे कह दिया जाए कि बिकाऊ है, ये मान लिया जाए फिर तो कमजोर इसलिए नहीं है कि वहाँ कोई पहलवानी वाली बात नहीं, वहाँ विचारधारा की बात है। विचारधारा हमारे विधायकों की महात्मा गांधी की के ही उसमें है, लेकिन जो वर्तमान राजनीति है वो उस विचारधारा हावी है, भिन्न है, बिल्कुल हावी है और इसीलिए दिक्कतें हो रही हैं। इसी कारण ये है कि डर से, पैसे से, किसी तरह प्रलोभन दे करके, ठीक बात है। और दूसरी बात, एक दो बातों का जवाब जल्दी, जैसे अभी आदरणीय धर्मप्रकाश जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आरएसएस के यहाँ से नहीं, तो इनके यहाँ सारा खेल आरएसएस से गवर्न होता है। मोहन भागवत जी ने एक मिनट में कह दिया कि राम मंदिर के अलावा मैं किसी भी मंदिर में आंदोलन नहीं करूंगा, तो नरेंद्र मोदी जी ने अपना ट्रैक बदला, जन आंदोलन छोड़ा और उसको न्यायालय में के द्वारा उसका न्याय कराने के लिए कहा। दूसरी बात, गुजरात में आम जनता एक कचौड़ी एक समोसा भाजपा का है क्या भरोसा, ये आम जनता, आम महिलाएं कह रही हैं। तो पता नहीं कहां भारतीय जनता पार्टी वाले ये खोए हुए हैं कि हम पुनः जो है वो गुजरात में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए निश्चित मान के चलिए गुजरात मॉडल से केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और इसी गुजरात मॉडल से पतन शुरू हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव, मतलब कांग्रेस में नया लोकतंत्र। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की। ये कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 137 साल में छठवीं बार हो रहा है और अगर देखा जाए तो 24 साल के बाद गैर गांधी अध्यक्ष बनने जा रहा है। लेकिन सवाल घूम फिर करके फिर वही आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कांग्रेस नहीं बदलेगी, क्योंकि जिन्होंने बदलाव की बात की थी वो तो कहते हैं हम तो अलग थलग पड़े हुए हैं। कांग्रेस के पीसीसी में उन्हीं का सम्मान हो रहा, वो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, हालांकि घोषित नहीं है। और नेता, मैंने ये शशि थरूर का बयान है कि नेता हमसे मिलने में ही हिचकते हैं, कैसे बदलाव आएगा? और क्या ये कांग्रेस का नया लोकतंत्र है जिसके अध्यक्ष दादा भाई नरोजी रहे हों, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे हों, गोपाल कृष्ण गोखले रहे हों और धुरंधर मदन मोहन मालवीय रहे हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों और नेहरू गांधी के तो परिवार के 5 लोग अध्यक्ष रहे,
स्वतंत्रता के बाद 40 साल तक कमान गांधी नेहरू परिवार के हाथ में रही है। सवाल सीधे सीधे उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस को नया जीवन मिल जाएगा? क्या जो नए अध्यक्ष आएंगे वो हिमाचल और गुजरात जो बिल्कुल दोनों मुहाने में खड़े हुए चुनाव, उनका सामना कर पाएंगे? सबसे पहले मदन लाल भाटिया आपसे पूछेंगे, क्योंकि आज चुनाव हो गया है, 19 को रिजल्ट आएगा और हड़गे का बिल्कुल तय है कि वही चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। क्या कहना, आप तो कांग्रेस में रहे इसलिए मैं जरा आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, किसी भी दल की आंतरिक शक्ति उसका लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र का ह्रास हुआ है तो कांग्रेस का भी ह्रास हुआ है। अगर पुनः कांग्रेस लोकतंत्र की ओर आगे जा रही है, निश्चित रूप से इसके परिणाम सकारात्मक आने चाहिए। आप बताइए जा रहे कि नहीं जा रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ होगा। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि अभी भी लोगों के मन में ये है कि पतंग कहीं उड़े, डोर किसी और के हाथ में है, जिसकी वजह से जो पहले लोग निराश रहते थे पुनः निराश रहेंगे। और गांधी नेहरू परिवार के साथ एक चीज जरूर थी, उसकी स्वीकार्यता पूरे देश में थी। अब खड़के साहब की स्वीकार्यता गुजरात और हिमाचल में दिखती कि नहीं दिखती, हरियाणा में दिखती कि नहीं दिखती, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव आएंगे उसमें दिखती कि नहीं दिखती, ये बात की बात है। धर्म प्रकाश जी, कहा यह जा रहा है कि जो ये चुनाव आ रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस ने एक संजीवनी पाने का प्रयास किया है, और अब तो ये लग रहा है कि बीजेपी का जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय, उसका तो कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और सबसे ज़्यादा ही आप लोग लोकतंत्र की दुहाई करते हैं, कमोबेश कुछ भी कह लीजिए, लोकतंत्र तो अब कांग्रेस में दिख रहा है, बीजेपी में तो अध्यक्ष का पद का जो है चुनाव तो दूर, उसका एक्सटेंशन कर दिया गया है। अब कैसे जवाब देंगे आप जाकर के जनता के बीच में? हम यहां पर बात कांग्रेस का जो मतदान हो रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, हम उसको प्रेफरेंस में लें या एक्सटेंशन को प्रेफरेंस में लें? मतलब दोनों बातें आगे। देखिए, एक्सटेंशन का कुछ सामयिक कारणों से अगर कर दिया गया है तो हमारे यहां आप जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, एक बार लगातार दो बार से ज्यादा कोई भी अध्यक्ष नहीं रहा, एक ब्रेक हुआ उसके बाद भले वो बन गया हो, लेकिन कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस के जहां तक मेरी नॉलेज है छोटी, कि पिछले जब से कांग्रेस बनी 6 बार इलेक्शन हुए हैं और 6 बार में 3 बार तो स्पष्ट रूप से चुने हुए कांग्रेस के अध्यक्ष को जबरियन इस्तीफा देना पड़ा है, चाहे वल्लभ भाई पटेल रहे हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हो, चाहे वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन रहे हो। 3 मुझे याद है, कोई एक कोई और है लेकिन मुझे चूंकि निकाल नहीं हो रहा इसलिए मैं ऑथेंटिकेट बात नहीं करता। और इन तीनों के बारे में बड़ी कॉमन चीज है कि गांधी नेहरू, जब सीतापट्टा भी रमैया हारे तो गांधी ने कहा मेरी व्यक्तिगत हार है, जब पुरुषोत्तम दास टंडन जीते तो नेहरू जी ने कहा मेरी व्यक्तिगत हार है, जब सरदार पटेल जीते तो नेहरू जी ने उसको व्यक्तिगत हार माना। तो प्रश्न इस चीज का है, जब चलना ही उस रास्ते पे है आपको तो आडंबर आप कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आप मतदान करा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, तो कृपा करके उसमें बीजेपी का भय क्या है? आप अपने आंतरिक चुनाव में बीजेपी का भय दिखा रहे हैं। अरे भाई, आपका शशि थरूर कह रहे हैं कि लोग हमसे बात करने में हिचक रहे हैं, क्यों हिचक रहे हैं? खड़गे का क्या बयान आ रहा है? तो प्रश्न इस चीज का है कि दिखावा हो रहा है, लेकिन वो उनका आंतरिक मामला है, वो कैसे करते हैं। लेकिन ये रहा कि कांग्रेस में जब से गांधी नेहरू परिवार का वर्चस्व आया, उनकी बिना मर्जी का अगर कोई अध्यक्ष बना तो उसे इस्तीफा देना पड़ा है। अगर शशि थरूर कहीं धोखे से जीत गए तो भी यही स्थिति दोहराई जाएगी। ठीक बात है। आप बताइए दिनेश जी, दो बातें बड़ी गंभीरता के साथ कही गई है, मदन जी ने भी कही और धर्म प्रकाश जी, क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी आज तक चुनाव से तो अध्यक्ष बनाया नहीं। ये देखिए विशेषता कांग्रेस की, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की, निष्पक्ष रूप से
उस संगठन का चुनाव कराती है, वोट देते हैं डेलीगेट्स जो हमारे यहाँ पीसीसी हैं, एआईसीसी हैं, और उसके बाद उन वोटों की गिनती होती है, उसके बाद अध्यक्ष चुना जाता है। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये प्रक्रिया संगठन की तो है नहीं, आरोप लगाना तो कुछ भी आप कह दीजिए साहब, गांधी परिवार है और रिमोट है और ये है, लेकिन कभी स्वयं भी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराए? आदरणीय आडवाणी जी को ऐसे उठा के फेंक दिया किनारे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तो देखिए हमारे यहाँ, और देखिए दूसरी बात, लोकतंत्र की खूबसूरती अभिव्यक्ति को आजादी, हमारे यहाँ हमारे पार्टी के शशि थरूर भी व्यक्त कर रहे हैं। आखिर वो जो बात कह रहे हैं संगठन की अच्छाई के लिए ही तो कह रहे हैं, या खड़के जी पार्टी में होकर के जो बात कह रहे हैं उनको कहने का अधिकार है, और हमारी पार्टी में बोलने का, व्यक्तित्व निखारने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर आज बोल दीजिए कल नरेंद्र मोदी जी आपको मंत्रालय से हटा देंगे, अरे कितनों का तो टिकट काट दिया, कितनों का तो लोकसभा। एक शब्द, आप देख रहे हैं दो लोग हैं कैंडिडेट जो खड़गे और साथ में शशि थरूर। खड़गे के बारे में कहा जा रहा है ये ऑफिशियल कैंडिडेट, हालांकि उन्होंने कहा नहीं और रिमोट से नहीं चलती, दुनिया भर की बातें कही। शशि थरूर ने भी बात वही कही, क्या कहा, गांधी परिवार वो पूंजी जिससे तो जुड़ना ही है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। और खड़गे भी कह रहे हैं हम तो उनकी गाइडलाइन पर चलेंगे ही। तो बात तो कुल मिला करके ले दे करके वहीं पर आके खड़ी हो गई, तो कांग्रेस को कहाँ से कोई लाभ मिलेगा? तो ये कहा जा रहा है कि जो एक 23 लोगों का असंतुष्ट ग्रुप का जो हमलावर था, आपने उसके मुकाबले के लिए एक प्रॉक्सी टाइप का अपना प्रत्याशी दे दिया है, लोग उसी को वोट देंगे, वो जीत जाएगा और फिर अपने पुराने ढर्रे पर ही कांग्रेस चलेगी। नहीं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, तो आप बता दीजिए खड़गे की क्या अड्डा है। देखिए हाँ, और देखिए जहाँ तक शशि थरूर ने कहा, तो चूंकि हमारे यहाँ गांधी परिवार ने काफी समय तक इस देश में राज किया है, ठीक, और देश के लिए शहादत भी दी है, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का मैनिफेस्टो भी इसी परिवार के पास है। तो आप एक बात बताइए हमें, अगर आज आप इतने सीनियर यहाँ पर एंकर हैं और कोई दूसरा अगर आना चाहता है तो आपसे गाइडलाइन लेगा कि नहीं लेगा? तो हम क्या उससे ये कह देंगे रे साहब वो तो वर्मा जी के ही गाइडलाइन पे चलेगी एंकर ही? ऐसा तो नहीं है। तो काबिल आदमी से तो हर आदमी मिलके ही चलेगा। आपके हिसाब से गांधी परिवार ही कांग्रेस में सबसे काबिल व्यक्ति है, यही मानना है आपका कहना है? गांधी परिवार काबिल व्यक्ति क्यों नहीं होगा आप बताइए? होगा बस देश के लिए गांधी परिवार ने अपनी जाने दी है। जान दी माना, हम आपकी बात से सब सहमत हैं। हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के लिए दी, उन्होंने अपने व्यक्तिगत घर और परिवार प्रॉपर्टी के लिए नहीं दी, तो हम कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक बात है। मदन भाटिया ये बताइए कि जो नए अध्यक्ष होने जा रहे हैं जी, मान लीजिए खड़गे हो जाते हैं और कहीं ना कहीं शशि थरूर को 25% या एक बात और कही जा रही है, सबसे कम वोट या यूँ कहिए सबसे ज़्यादा वोट शरद पवार को 882 मिले थे जी। लोगों का कहना है कि शशि थरूर को अगर 1000 भी वोट मिल गया तो निश्चित रूप से वो अपनी कदकाठी के साथ में पहली पंक्ति में आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे तो फिर जो कांग्रेस के लिए जो खड़गे जो बन रहे हैं अध्यक्ष, उनके लिए एक नई चुनौती नहीं बन जाएंगे? देखिए चुनौती तो हमेशा जो रनर रहता है विनर के लिए हमेशा रही है। अच्छा, चाहे छोटे से चुनाव से लेकर बड़े से चुनाव तक, पार्षद के चुनाव से राष्ट्रपति के चुनाव तक चुनौती रहती है, जो रनर होता है वो चुनौती रहता है, और विनर को चुनौती स्वीकार भी करनी चाहिए। और अगर खड़के जी बनते हैं तो उनको शशि थरूर की चुनौती को हमेशा सामना करना पड़ेगा। शशि थरूर निश्चित रूप से लोकप्रिय सांसद हैं, अपने खुले विचार रखते हैं, अपने ब्लॉग लिखते हैं, लेकिन देश का कार्यकर्ता उनको स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा? हाँ, ये बताइए। या वो नेहरू गांधी परिवार की दहशत है,
या उनको असुरक्षित अपने आप को महसूस करता नेहरू गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस का कार्यकर्ता, ये भी कार्यकर्ताओं की मजबूरी है। आप बताइए, क्योंकि नेहरू इनका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि अगर नेहरू और गांधी परिवार शहादत ना देता तो कांग्रेस इतने दिनों तक ना चलती। इन्होंने अपने मन में ठान रखा है। मैं समझता हूं शहादत एक अलग चीज है, योग्यता एक अलग चीज है, वर्तमान की परिस्थितियों का आत्मचिंतन आत्मावलोकन करना एक अलग चीज है। कांग्रेस के लोगों को आत्मावलोकन और आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि आज नेहरू गांधी परिवार की स्वीकार्यता देश में है कि नहीं, इसका आत्मावलोकन आत्मचिंतन ये लोग करेंगे, इनको करना चाहिए। और खड़के को ये लाए हैं, चाहे अचानक लाए हैं, चाहे मजबूरीवश लाए हैं, चाहे शशि थरूर को रोकने के लिए लाए हैं, इनको ये सोचना होगा कि खड़के की स्वीकारता पूरे देश में हो रही है कि नहीं हो रही। चलिए धर्मप्रकाश जी, आपको क्या इम्पैक्ट लगता है, क्या कोई जैसे एक और राहुल गांधी बाकायदे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं दक्षिण में पूरी तरीके से और बहुत तेजी के साथ उनका अभियान चल रहा है, इसके बावजूद कि हिमाचल में चुनाव है और 3 हफ्ते बाद वोटिंग होनी है, लेकिन वो अपना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है आपको कांग्रेस में कुछ नया? देखिए वर्मा जी, जी आप मनस विलास कुछ भी करते रहे जी, पहले तो एक अमेंडमेंट हो जाना चाहिए कि ये गांधी परिवार है ही नहीं, ये नेहरू परिवार ही है, क्योंकि फिरोज गांधी जब तक जिंदा रहे कांग्रेस उनका रहना मुश्किल रहा, ठीक है। उसके बाद आप गांधी शब्द केवल इसलिए उपयोग कर रहे हो कि आप महात्मा गांधी को बिफूल का बिफूल कर रहे हैं जनता को। आपने किया क्या कांग्रेस ने? आप दूसरे बड़ा आरोप लगाते हो। ट्रेडमार्क एक्ट पढ़ लीजिए कि उसमें यह है कि राष्ट्रीय प्रतीक से मिलती जुलती किसी भी प्रतीक का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। जब राष्ट्र का झंडा तिरंगा, या तिरंगा झंडा क्यों, जब अगर वो कांग्रेस का झंडा था और राष्ट्र को समर्पित कर दिया तो आपको नया झंडा बनाना चाहिए था, तब आपने उसको विफूल किया ये जनता को कि हम देश की स्वतंत्रता हमारे ही बल पे आई है। बाकी तो नाना साहब पेशवा बेकार थे, तात्या टोपे बेकार थे, मंगल पांडे बेकार थे, या बहादुर शाह जफर बेकार थे, या बाकी जितने लोगों ने सचिन नदबख्शी बेकार थे, अरविंद घोष सब लोग बेकार, केवल आपने शहादत दी, आपने अपने कर्मों से शहादत दी कई बार। और आप हमेशा सरकार के सुविधा भोगी रहे। मुझे बताइए कि 1935 में जब इंडियन एक्ट आया, 1935 से लेकर 42 तक कांग्रेस लगातार अंग्रेजों के साथ सरकार में सहयोग करती रही, एक भी आंदोलन अगर कांग्रेस ने किया हो उसका डॉक्यूमेंट दिखा देते। 1935 में जो आया था वो तो एक चुनावी प्रक्रिया उसका कांग्रेस ने पहले ही कांग्रेस ने कहा था मैं इसका बहिष्कार करूंगी, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। वो जो 1935 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता कहां चली गई? वो एक देश में एक नई सरकार के गठन के लिए एक प्रक्रिया, नई प्रक्रिया पर जो आरोप लग रहा था कि नहीं साहब ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह, ये अगर वो इंडियन एक्ट था तो फिर वहां ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव क्यों पास हुआ? यहां होता जब आपका लोकतांत्रिक पद्धति थी। दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि भाजपा का भय आप अपने आंतरिक चुनाव में क्यों दिखा रहे हैं? भाई आपका आंतरिक चुनाव है, आपके अपने कार्यकर्ता हैं, सशक्त होंगे, निश्चित सशक्त होंगे, भाई हमारे यहां डेडिकेटेड कार्यकर्ता तो आपके यहां भी डेडिकेटेड होंगे, केवल व्यक्ति के प्रति। अब राहुल गांधी का बिल्कुल मजाक सा हो रहा है कि नीरो बंसी बजा रहा है, रोम जल रहा है। एक वो क्लियोपेट्रा थी कि जहां जहां से जाती थी तो उसके किनारे किनारे बैनर चलते थे हरियाली के, जिससे ये दिखाई पड़ा देश में सब कुछ बढ़िया है। क्या किसी चीज को सीरियसली आप नहीं लेते? धर्मराज जी, ये भय कहां दिखाया जा रहा है? क्या भय दिखाया? अरे अभी खड़गे ने कहा कल कि वो साहब बीजेपी जो है वो बीजेपी के लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, और अगर हमारा साथ ना दिया गया तो बाकी लोग वो असंतुष्टों को बीजेपी में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठीक बात है। क्यों? चलिए दिनेश जी, दो बातें, एक तो ये, दूसरा क्या अब आपको लगता है कि कांग्रेस में एक नया जो है जीवन आ रहा है, और ये जो 23 ग्रुप है
इसका भी पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। और जिस तरीके की बात अभी धर्म प्रकाश जी कह रहे हैं कि भय दिखा करके और खड़गे का जो बयान है, हालांकि खड़गे बार बार ये कह रहे हैं कि हमको बीजेपी को हराना है, कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत ही परेशान है। राहुल गांधी जी ने अपना जो ट्रेड बदला है, राहुल गांधी जी ने जो अपना ट्रेड बदला है वो राजनैतिक एक बड़ी लकीर खींचने का काम अब उन्होंने किया है। पहले वो जनता के लिए इनको जवाब देते थे, उसके लिए ये उनके बारे में प्रोपोगंडा फैलाते थे, लेकिन अब उन्होंने राजनैतिक का अपना ट्रेड चेंज करके एक बड़ी लकीर खींचने का, इनसे भी बड़ी लकीर खींचने का काम किया है। और निश्चित रूप से मान के चलिए ये बातें लक्ष्मीबाई की करेंगे, इनकी करेंगे, लेकिन कभी ये अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बतावें कि देश की आजादी में कितनी लड़ाई लड़ी है, कितनों को फांसी मिली है, कभी इसका दूसरे के कंधे में बंदूक चलाना, क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी थी? लड़े सुभाष चंद्र बोस, लड़े आरएसएस थी, जनता पार्टी का आरएसएस थी, आरएसएस का हेड वो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के विदर्भ प्रांत के तरफ वो जेल गए थे। बताइए का नाम, वो जेल गए थे डॉक्टर हेडगेवार। हेडगेवार का आपको बतावे इतिहास, कभी बैठेंगे तो हम आपको चलिए बाद में बता दीजिएगा, बाद में बता दीजिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या क्या किया, कितनी उन्होंने देश, लेकिन ये भी बात जो है धर्मप्रकाश जी ने कहा है, इसको भी कोट करने की बात है कि जेल गए थे, इसमें दो राय नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मप्रकाश जी आपको, दिनेश जी आपको और मदन जी आपको। आज आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किया दिल्ली सरकार के तथा कथित भ्रष्टाचार के, मैं तो ये कहूँगा क्योंकि अभी दावे हो रहे हैं, अभी कोई फैक्ट्स नहीं आया, हालांकि दो लोग गिरफ्तार हो गए हैं शराब घोटाले में, लेकिन ये सच तो सामने आना ही चाहिए। क्या वास्तव में दिल्ली सरकार के मंत्रियों का, विधायकों का उत्पीड़न हो रहा है, या वास्तव में आम आदमी पार्टी अपने जो शुचिता के उद्देश्य को लेकर के आई थी उससे खिसक गई है? और वहीं दूसरी ओर क्या कांग्रेस में कुछ बदलाव आएगा? क्या कांग्रेस फिर यथास्थिति में बनी रहेगी? क्या कांग्रेस नीचे ही जाती रहेगी? क्योंकि जो ऊर्जा की कल्पना होनी चाहिए, जो स्फूर्ति और नए आयाम की कल्पना होनी चाहिए, नए विचारों की जो कल्पना होनी चाहिए, वो तो फिलहाल दिखती नहीं है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।